राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र में स्थित चौथी वाहिनी सशस्त्र बल परिसर में आज पुलिस स्मृति दिवस पर परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान शहीद हुए जवानों को इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही राज्यपाल और सीएम शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार जनों से मुलाकात कर उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट किए गए। स्मृति दिवस को लेकर राज्यपाल रमन डेका ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जवानों के प्रति सभी को सम्मान और व्यवहार अच्छे रखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री साय ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी और जवानों को नमन किया। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज के इस दिवस में जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनको याद करने का भी ये दिन है। और आज ये दिन आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का भी दिन है जो सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। हाँ, तो लगातार चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है और 6 साल में रिन्यूअल होता है। अब विपक्ष का काम है, अपना काम लोग करें। कांग्रेस ने कहा है कि सबसे अधिक उपचुनाव जब से छत्तीसगढ़ बने उन्होंने ही जीते, तो इस बार भी आप देखिए, वो तो एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो जीत की उम्मीद से खड़ा होता है। जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।